गुजरे के बाद, तो क्या आह्वान करेंगे आप उन विधायकों और सांसद जो इस्तीफा दे रहे हैं या मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बढ़ून देव ना, चांगलं झालं ना, तो तिकडेच पाहिजे इकडे लय काड्या करते, उधरच चाहिए हो, उधर बैठ के सरकार को मुख्यमंत्री को सबको बोलेंगे आरक्षण दे दो, इधर बैठ के क्या करेंगे, इधर हम गांव में नहीं आने देते हमारे, इधर चल भी चल हो गए उनकी, आना पानी नहीं पता रहा उनको, उनको उधर जाना पड़ेगा मुंबई, और वो मुंबई को जाके सब मराठे के पीछे रहेंगे और वो मराठों के पीछे रहेंगे, तो हम कभी उनका जो मदद किए वो कभी काम भूलेंगे नहीं। हाँ, कितनी लंबी लड़ाई होने वाली है, कितनी आप कॉन्फिडेंट हो कि आप इसमें जीतोगे, और जो प्रोटेस्टर्स वायलेंस कर रहे हैं उनको भी आप क्या बोलना? क्या वायलेंस चल हमारे आधे भाई ओबीसी आरक्षण में है, और महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन दिया है देश में भी दिया होगा, व्यवसाय पर आधारित रिजर्वेशन दिया है, व्यवसाय पर आधारित, हमारा व्यवसाय खेती है, हमारे आधे भाई को खेती है बोल के रिजर्वेशन दिया, हमारा इतना ही कहना है हमको क्यों नहीं, बस सिंपल है। ओबीसी की जो यादी है 83 क्रमांक, उस पर मराठा और कुनबी एक है, कुनबी आने की शेतकरी एक है, तो फिर हमको क्यों नहीं, ये हमारा सवाल है। 2004 का जीआर है, उस जीआर के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि उसको सुधारित बनाओ और सभी महाराष्ट्र के मराठों को दे दो रिजर्वेशन, कुन भी बोल के मैं आपको बोलता हूँ, आप जो बोले ये कितना दिन चलेगा, ये रुकेगा नहीं, रिजर्वेशन लेने तक ये रुकेगा नहीं, कोई भी शक्ति आ जाओ मराठे आप रुकेंगे नहीं महाराष्ट्र के, और हम हमारा हक का रिजर्वेशन लेके रहेंगे, और वो जल्द से जल्द मिलेगा, उसके साक्षीदार आप खुद होंगे, थोड़े ही दिन में मिलेगा, सालों महीनों में नहीं, थोड़े ही दिन में मिलेगा। मुख्यमंत्री काल नहीं, मीडिया के बांधव के माध्यम से मराठा समाज ने बताया था कि हमको तुम भी चाहिए रिजर्वेशन भी चाहिए, दो दिन लेट मिल जाएगा रिजर्वेशन, लेकिन आप पानी पी लो। मैंने मेरे मराठा समाज का महाराष्ट्र के सम्मान किया, और मैंने उन्होंने बोला पानी पी लो, तो मैं कल 4 बजे से पानी पी रहा हूँ, अब मुझे बैठने को भी आ रहा है पानी पीने के बाद, मैं झूठ कभी बोलता नहीं, इतना बोलता होता तो दमस लगता था मेरे को, लेकिन मैं अब सब बोल रहा हूँ, यह पानी में शक्ति है, मेरे भाई ने बोला, और मराठों भी ठंड हो गई, वो किधर आंदोलन नहीं कर रहे, कुछ नहीं, शांतता से कर रहे, लेकिन अब दूसरे तीसरे टप्पे में शांतता में ही होगा, लेकिन बहुत ताकत से आंदोलन होगा, ये बात सही है, सरकार ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए।